हेलो एवरीवन, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 25 जून 2021 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इसके पहले के करंट अफेयर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंडिया साइंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट विद द वर्ल्ड बैंक फॉर द नेशनल कैंपेन इन इंडिया। भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु विश्व बैंक के साथ कितने क्रेडिट पत्र हस्ताक्षर किए? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 200 मिलियन के ऋण पत्र पर भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर किए। अब हम जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इस संगठन में वर्तमान में 189 मेंबर हैं तथा इनके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज न्यूक्लियर प्लांट वॉज साइबर अटैक्ड। किस देश के परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, हाल ही में ईरान के परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला किया गया। अब ईरान के बारे में जान लेते हैं हम। ईरान की कैपिटल तेहरान है तथा यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के प्रेसिडेंट हाल ही में इब्राहिम रहीसी को चुना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सिंगर लेंट हिज वॉइस टू द थीम सॉन्ग टू ठान ले लॉन्च बाई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा थीम सॉन्ग टू ठान ले लॉन्च किया गया। किस संगीतकार ने अपनी आवाज़ दी? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, मोहित चौहान। मोहित चौहान ने तू ठान ले थीम सॉन्ग भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा दिए गए, मोहित चौहान ने अपनी आवाज़ दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे, परंतु वह ओवरऑल में पाँचवें नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुसेन ने सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का खिताब अपने नाम किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ रिजाइंड एज अ ट्रस्टी ऑफ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी पद से किसने इस्तीफा दे दिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट ने बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया। वॉरेन बफेट दुनिया के 8वें सबसे अमीर आदमी हैं और ये बिल गेट्स के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और हम बता देते हैं कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स का फाउंडेशन की शुरुआत वर्ष 2000 में बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सिवान पास्ड अवे वॉज रिलेटेड टू। हाल ही में सिवान का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, फिल्म जगत। सिवान का संबंध फिल्म जगत से था, वे मलयालम सिनेमेटोग्राफर व फिल्म मेकर थे। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में किसने सर्वाधिक विकेट लिए? द राइट आंसर इज रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन सेकेंड, रविचंद्रन अश्विन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लिए। इन्होंने 14 मैचों में कुल 71 विकेट लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्लेयर इक्वल द मोस्ट गोल्स स्कोर्ड इन द इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल दागने की बराबरी की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल दागने की बराबरी की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के कप्तान हैं। इन्होंने ईरान के पूर्व फॉरवर्ड अली देई के सर्वाधिक 109 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हु विल बिकम द थर्ड कंपनी टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी कंपनी कौन बनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन 4th, माइक्रोसॉफ्ट। 2 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी। माइक्रोसॉफ्ट से पहले 2 कंपनियां 2 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल कर चुकी हैं। पहली सऊदी अरामको, जो कि सऊदी अरबिया की ऑयल कंपनी है। दूसरी एप्पल कंपनी है, जिसे कौन नहीं जानता। और हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा वाशिंगटन डीसी में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इनके सीईओ भारतीय मूल के सत्या नडेला हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।